अस्सलाम वालेकुम। एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस, हम सब इसका नाम सुनते रहते हैं, डिफरेंट नाम हैं, कारोबार करना, एंटरप्रेन्योरशिप करना। ज़्यादातर हम लोग जो हैं, मेरे ख्याल में ऐसे लोग एंटरप्रेन्योर नहीं होते जो डरते हैं, और जो डरते हैं वो एंटरप्रेन्योर कभी नहीं बन सकते। डर किस चीज़ का, ऐसी चीज़ का डर जिससे नुकसान हो जाएगा, सब कुछ डूब जाएगा, पैसा ख़त्म हो जाएगा, खाएंगे कहाँ से। नॉर्मली एंटरप्रेन्योर जो होता है वो रिस्क टेकर होता है, और वो डरता नहीं है और जाता है और बिज़नेस करने की कोशिश करता है। राज़िक अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला ही हमें रिस्क अता करते हैं। तो हम एक सीरीज़ पे काम कर रहे हैं, और उस सीरीज़ का मकसद ये है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप को तरक्की दे सकें ऐसे इलाकों में, ऐसे लोगों के दरमियान जो कि मुफलिस हैं, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते, जॉब नहीं है। और हमारी कोशिश ये है कि जो फाउंडेशंस पाकिस्तान में काम कर रही हैं वो ज़कातें लोगों को देते हैं और चंदा देते हैं, सदक़े देते हैं, लेकिन उनको उनके पाँव पे खड़ा नहीं करते। तो हम एक ऐसी वीडियो सीरीज़ पे काम कर रहे हैं जिसके ज़रिए हम छोटी छोटी सी वीडियोज़ ऐसी बनाएंगे जिसके अंदर हम प्रूफ करेंगे कि आप 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, 20,000 रुपये से कारोबार शुरू कर सकते हैं। और हमारी कोशिश ये है कि हम उस फाउंडेशन को, उस बिज़नेस के बंदे का पार्टनर भी बनाएं। तो हम एक तरतीब दे रहे हैं सिर्फ वीडियोज़ जिसके ज़रिए वो ट्रेनिंग हासिल कर सकेगा, ऐसी वीडियोज़ जो कि प्रूव कर देंगी कि ये बिज़नेस हो सकता है, और उनको गाइडलाइन भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये वीडियोज़ के अंदर हम, जब आप इन वीडियोज़ को देखेंगे तो उससे आपको फ़र्ज़ करें कि आपको बिरयानी की दुकान खुलवानी है किसी को, तो उसमें लोकेशन कैसे सेलेक्ट करनी है ये बताएंगे, बिरयानी कहाँ से बनवानी है, ख़ुद पकानी है ये बताएंगे, अगर बाज़ार से पकवानी है तो कहाँ से कितने की मिलेगी ये बताएंगे, कुक कैसे मिलेगा ये बताएंगे, अपने ख़ुद पकानी चाहिए या नहीं पकानी चाहिए ये बताएंगे, प्लेटें कहाँ से बनवानी है, प्लेटें कहाँ से लेनी है, डब्बे कहाँ से लेने हैं, डिलीवरी का काम करना है नहीं करना है, कितने की होनी चाहिए, अगर सेल नहीं हो रही तो क्या करें, बहुत सारे काम हमारे समझ में आ रहे हैं जो कि हम समझते हैं कि हो सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं जो आपको भी पता हो कि आपके ख्याल में ये कारोबार किया जा सकता है। तो बराए मेहरबानी हमें सुपर टेक्नोलॉजीज़ फाउंडेशन में कांटेक्ट करें, हमें बताएं कि ऐसे कौन से कारोबार हैं जो आप समझते हैं कि इतने में हो सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई फाउंडेशन चलाते हैं या कोई एनजीओ चलाते हैं या आपको चैरिटी देना चाहते हैं, तो मेरी गुजारिश है कि आप किसी को पैसे ऐसे ना दें, उससे बिज़नेस करवाएं, उससे कारोबार कराएं, जाके वो अपने दो पाँव पे खड़ा हो सके और सारी ज़िंदगी के लिए कुछ पैसे कमा सके। दुनिया में जो बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स बना के बैठे हैं वो कोई आसमान से नहीं उतरे हुए, वो भी हम में से हैं, और उनमें से बहुत सारे ऐसे मुफलिस लोग हैं जो कुछ भी नहीं रखते थे और बहुत कुछ बन गए। हमारे मुल्क की अपनी मिसाल है कि जंग के जो मालिक हैं, जो जियो के मालिक हैं, उनके जो वालिद थे वो साइकिल पे जाके अखबार बांटा करते थे। तो अगर वो मीर खलील रहमान ऐसा काम कर सकते थे और आज उनके बेटे पाकिस्तान के सबसे अमीर आदमी बन सकते हैं, तो क्या आपने क्यों नहीं बन सकते, आप भी बन सकते हैं। शर्त कोशिश, लगन और हिम्मत, अगर आप ये कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली एक अच्छे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए और अपने घर वालों के लिए और अपने चारों तरफ के लोगों की मदद भी कर सकते हैं। किसी को ऐसे जब आप पैसे देते हैं तो वो जाता है, एक महीने में खर्च कर देता है, अगले महीने फिर आ जाता है, लेकिन कारोबार करने के बाद वो हमेशा के लिए चलता रहेगा। उसके अलावा ये देखें कि अगर आप किसी बड़ी फाउंडेशन है और आप किसी भी मुल्क को मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन डॉलर देते हैं, तो 10 मिलियन डॉलर के अंदर आप कितने कारोबार खुलवा सकते हैं, कितने सैकड़ों के हिसाब से अगर आप बिजनेसेस खुलवा दें छोटे छोटे, तो वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा, बजाय इसके कि आप गए और एड दे दी 10 मिलियन डॉलर की, 100 मिलियन डॉलर की, वो पैसे ज़ाया हो जाते हैं। मोची भी एंटरप्रेन्योर होता है, जूते ठीक करने वाला भी एंटरप्रेन्योर होता है, जूते पॉलिश करने वाला भी एंटरप्रेन्योर होता है, कारोबार करता है। और आप जब रिस्क तलाश करेंगे तो अल्लाह ताला ने प्रॉमिस किया है, कीड़ा जो होता है वो पत्थर के अंदर उसको भी रिस्क देते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप को तरक्की दें, एंटरप्रेन्योरशिप की मदद करें, और ऐसे लोगों को दें जो आप समझते हैं कि कारोबार में अंदर अच्छी तरीके से लगा सकें।